अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद इकबाल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। ये है जी डाट वाली छत। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डाट वाली छत कैसे लगाते हैं। ये है छत, ये टोटली ईंटों की बनी होती है डाट वाली छत। ये देख सकते हैं आप, ये आज मैं आपको इसका टोटल कंप्लीट प्रोसीजर दिखाऊंगा कि ये कैसे लगाई जाती है। ये इस तरह से नीचे पैड कर लेनी है। ये देख सकते हैं आप, गार्डर फ्री पड़े हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डाट वाली छत कैसे लगाते हैं। ये फरमा है, ये डाट के नीचे लगाया जाता है। इसकी चार चाबियां हैं। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे खोल के आगे लगाया जाता है। खोल के आगे लगाने जा रहा है भाई। ये इसी तरह से पूरी छत कंप्लीट होगी। ये एक फर्मे के साथ पूरे घर की डाटें लगाई जा रही हैं। ये नेक्स्ट वाले खाने में जा रहा है, इसी तरह से सेट किया जाता है फर्मा। यहाँ गार्डन में फिट की जाती है इस तरह से। ये वो फर्मे हैं जो हमने पहले लगाए थे। इसी तरह से पूरी छत कंप्लीट होगी। ये देखें, ये अब मजबूत हो गई है। इसी तरह से सारी डाटें कंप्लीट होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ वीडियो को मिस कर देना। इसी वक्त से वो फर्मा हमने सेट किया है। इस तरह से ईंटे ऊपर जमा कर लेनी है। ये फर्मा सेट हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से लगाया जाता है। ये साइड वाली ईंटें ये इस तरह से तराश लेनी है। ये गार्डन में इस तरह से लगेंगी। लादा इस तरह किदा नहीं नहीं इधर ही बनी उसी तरह बन सेटिंग करने के लिए Thank you.
चक बैठा 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 चक बैठा रखना इस बस वो देखिए पौड़ी खाने पहले पौड़ी खाने ओ पौड़ी किस तरह चल रहे हैं इस तरह से ये सारी अंडे फर्मे में लगा देनी है। ये देखें इसके बाद मैं आपको इसका गला पर से ये दिखाऊंगा कि वो किस तरह से करते हैं। इस तरह से ये सारी अंडे फर्मे में लगा देनी है। ये देखें के बाद मैं आपको इसका गला पर से ये दिखाऊंगा कि वो किस तरह से करते हैं। ये एक फर्मा कंप्लीट होने जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ गाड़ वाली छतें नहीं लगाई जाती, मालूम नहीं है कि ये कैसी कैसे लगाई जाती है। वहाँ अक्सर टाइल वाली छतें या लेंटर वाली छत लगाई जाती है। ये काफ़ी बचत वाली छत होती है, टाइल वाली छत होती है, उस पर काफ़ी खर्चा आ जाता है। फर्मा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें लकड़ियों की जो पिर्च होती है वो इसमें लगाई जाएगी। ये देखें इस तरह की होती है ये पिर्च, ये इस फर्मे में लगाई जाएगी ताकि फर्मा टाइट हो जाए। इसी तरह से सब फर्मों में यही काम किया जाता है। बाद फिर से लगाई जाती है। ये देखें ये दो दूसरी में लगाई जाएगी दरमियान में। ये दो लाइनों के बाद दूसरी लाइन तीसरी चौथी लाइन में लगाई जाएगी भी अच्छा ताकि फर्मा टाइट हो जाए। और ये जो ईंटें जिस तरह ये पिच इसमें लगाई जाती है ये ईंटें फर्मे से उठ जाती हैं और फर्मा फ्री हो जाता है। इसके बाद फर्मा निकाल लिया जाएगा, इसके ऊपर सीमेंट की लेप की जाएगी ऊपर। मुमकिन हो जाए इसलिए मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ।
अगर हम मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देना और साथ लगी बेल को भी प्रेस कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिसने ये डाढ़ वाली छत नहीं देखी वो भी देख ले। अब इसमें सीमेंट डाला जाएगा, पानी डाल के सीमेंट में मिक्स करके तो इसमें डाल दिया जाएगा ताकि जो होती है ना ये वाली गर्दियाँ आपको सब बंद होते हैं दर्जियाँ, दर्जों में सीमेंट चला जाएगा। जब खुश्क हो जाएगी तो आपको ये पहले वाली गर्दियाँ इस तरह दिखाई देंगी, ये पहले लगी हुई हैं, ये मजबूत हो चुकी हैं। ये देखते हैं घर में खड़ा होकर दिखा देते हैं, ये देखो इस तरह से खुश्क मसाला डाला जा रहा है ताकि जो पानी है वो जज़्ब हो जाए जल्दी से।